रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जुमा मुबारक हो, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखे, शादो आबाद रखे, और अल्लाह पाक तमाम लोगों की मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। और आज जुम्मे का दिन है, इबादतों का वक्त है, इबादत भी करेंगे और अच्छे अच्छे खाने भी बनाएंगे। आज मटका बिरयानी आपसे आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और तैयार हो रही है, रेसिपी सीखते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आज मैं बना रही थी मटका बिरयानी। इसके लिए मैंने चिकन ले ली थी 1 किलो, और उसमें मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया था, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा बिरयानी का मसाला भी उसमें ऐड कर दिया था, और हरी मिर्चों की 1 चम्मच डाल दी थी टेबल स्पून जितना भर के, और इन सब को मैंने डाल के अच्छी तरह से मिला दिया था। साथ मैंने दही भी डाल दी थी, और दही को मैंने डालने के बाद इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया था, और मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दिया था। पतीले में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, और मैंने इसमें 2-3 बड़ी प्याज काट ली थी, और इसको मैंने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लिया था। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें जितना मसाला मैंने लगाया था चिकन में, वो सब मसाला और चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और अच्छी तरह से इसके मसाले को भून लिया था। साथ ही मैंने इसमें 2 टमाटर काट के रखे थे, मैंने ज़्यादा बारीक टमाटर नहीं काटे थे, गोल गोल काटे थे, और इसमें मैंने वो भी डाल दिए थे। साथ ही मैंने इसमें ताज़ी हरी मिर्चें डाल दी थी साबित, और मैंने इसका मसाला बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। कुछ मटका बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी प्यारी सी मटकी ले ली है, और अगर बस कम बिरयानी है, आपको छोटी मटकी में बनानी है तो इस तरह की आप मटकी ले लें, इसमें बना लें आप बिरयानी। अगर आपको थोड़ी थोड़ी बनानी है सबके लिए तो ये ज़्यादा ले लें, और मैंने इसमें ले रही हूँ ताकि ये मेरी फैमिली में पूरी हो जाएगी। हम 4-5 लोग हैं तो ये हमारे फैमिली में पूरी हो जाएगी, तो मैं इसमें बना लेती हूँ। इसमें आप कढ़ाई, मटका, गोश्त सभी इसमें बना सकते हैं, इसमें आप बिरयानी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब थोड़ी सी हल्की सी, मैं बस गर्म है ये मटकी, मैंने हल्की सी गर्म रख दी थी इसको, और इसमें मैं थोड़े से अब चावल लगाऊंगी। चावल मैंने उबाल लिए हैं अच्छी तरह से, थोड़ी सी तह लगेगी एक चावलों की इसमें, और मैं इसमें ये मैंने मसाला जो चिकन का बनाया है वो मैं डाल देती हूँ। और आप चाहें तो इसकी 1 से 2 तह भी लगा सकते और मैं इसमें डालूंगी धनिया पुदीना। ये मैंने धनिया धो लिया था, साफ सुथरा धनिया धो ले, पुदीना धो ले, धनिया पुदीने में थोड़ी मट्टी होती है, पुदीने में ज्यादा मट्टी होती है, तो बस इसको साफ सुथरा धनिया पुदीने को धो लिया करें। और ये है पुदीना मेरे पास, इसको मैं डाल दूंगी इसमें अच्छी तरह से। और लेमन डाल दूंगी, आप चाहें तो इसके ऊपर कटे हुए टमाटर भी रख सकते हैं, मैंने टमाटर मसाले में ज्यादा काफी डाल लिए थे तो मुझे जरूरत नहीं है। और अब मैं इसमें सारे चावल डाल दूंगी, अभी मैं इसमें आलू डाल दूंगी सारा सा, और फिर इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर चावल। इस पे रख दिए मैंने अंडे, अंडे रखूंगी मैं अच्छी तरह से, और आप चाहें तो इसपे इसके ऊपर भी लाल प्याज डाल सकते हैं, रेड ब्राउन की भी प्याज आप इसमें, गोल्डन ब्राउन की भी प्याज भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये मैं डालूंगी, ये मेरे पास फूड कलर है, इसमें मैंने बिरयानी का केवड़ा भी डाल दिया है जो एसेस होता है वो, और ये मैं इसपे डाल दिया है। अब मैं इसको फॉइलिंग से अच्छी तरह बंद कर दूंगी। इसमें भी ये है कि आप चाहें तो इसके ऊपर आटा लगा दें,
अच्छी तरह से मोटा आटे की तह लगा दे। अगर आप इसको कोयले वगैरह पे रख रहे हैं तो मैं घर में जो है वो चूल्हे पे रखूंगी इसको, स्टोव पे रखूंगी। आप चाहें तो इसको कोयलों पे रख के पका सकते हैं, ऊपर इसके कोयले रख सकते हैं, आप ये चाहें तो कर सकते हैं। मैं कोयले पे लगा दूंगी इसको। और मैंने दूंगी इसका लेट अच्छी तरह से, इसको बंद भी कर दूंगी साथ ही, ताकि ये इसी में अपना अच्छी तरह से इसकी ये स्टीम ले ले। ठीक है, इसको आप मीडियम फ्लेम पर रख दीजिए। आज मैं बनाने लगी हूँ गांव स्टाइल से, आपको एक मजे का रायता सिखाने लगी हूँ जो बनेगा लस्सी से। लस्सी लस्सी की तरह की दही है और ये मैंने इसमें मटकी में डाल दी। ये देखिए थोड़ी पतली दही है और ये लस्सी स्टाइल की दही है। गाढ़ी जो रायता गाढ़ा होता है वैसी नहीं है, थोड़ा सा पतला है ये। और इसमें मैं डालूंगी प्याज सबसे पहले, और मैं डालूंगी इसमें खीरा, धनिया, हरी मिर्चें। अगर आपके पास खुश धनिया है, जो रखा हुआ धनिया होता है वो है, तो वो ज्यादा अच्छा है, इसमें खुशबू आती है। इसमें ये पुदीना डाल दूंगी, बिल्कुल ताजा पुदीना है मेरे पास, मेरे अपने गमलों का पुदीना है ये। और ये मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। ये हमारे पास बिल्कुल रायता रेडी है और ये हम खाने के टाइम पे इसको यूज करेंगे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी, बिल्कुल कम ब्लैक पेपर डालूंगी। और इसमें जो हमें जितना रिक्वायर होता है नमक, उतना नमक डाल दें। नमक भी बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, नमक भी बहुत हल्का सा रखें। और ये अच्छा सा हमारे पास रायता रेडी है। तो हम ये मटका बिरयानी के साथ हम ये रायता लेंगे। ये हमारे पास मटका रायता तैयार है। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो आज मैं बनाऊंगी सबसे पहले केक, तो जो के है बेटी क्रॉकर का सुपर मॉजिस डार्क चॉकलेट केक। और ये बिल्कुल ही आसान से 3 स्टेप्स में बन जाते हैं। तो आइए बनाते हैं। शहजादी आज केक का बैटर लेके आई थी, तो उसने बोला कि मामा ये पड़ा है, तो आज जुमे का दिन है, तो आप मीठा तो बनाने वाली हैं, तो आज मैं ये केक बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप केक बना लीजिए, तो फिर आज मैं मीठा नहीं बनाती, एक ही बात हो जाएगी। तो शहजादी ने उस पैकेट से इसमें अंडे वगैरह और जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाले, और नाप कर डाल रही थी, बिल्कुल सही डाल रही थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि ये जो भी करेगी ठीक करेगी। और बच्चियों को जो है वो काम करने देना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, और ज़ाहिर है कहीं बाहर तो सीखने नहीं जाती, तो फिर ये कुछ चीज़ें लेती है, तो मैं इसको सीखने देती हूँ और इसको थोड़ा स्पेस भी देती हूँ, ताकि ये आराम से सीख भी सके। और इसको मैं जो चाहिए होता है इन चीज़ों में, मोल्ड वगैरह है, जो भी इसकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं केक बनाने की, और छुट्टी में ख़ासतौर पे जो वीकेंड होते हैं उसमें मैं इसे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सीखने देती हूँ, ताकि इसका हाथ भी साफ़ हो, क्योंकि अभी जो है वो छोटी क्लास में है और थोड़ा ज़रा पढ़ ले या अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे दे, इसके बाद फिर मैं इसको, इसको बेकिंग का शौक़ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको बेकिंग की ही तरफ मैं लेके भी जाऊंगी। और इसको मेरी शहजादी को पार्लर का और बेकिंग का और हमेशा से शौक़ रहा है, बचपन से कुछ ना कुछ ये क्रिएटिव ऐसा करती ही रहती है। तो ये एक बना रही थी खैर केक, और फिर इसने मुझसे पतीला लिया, तो केक और बेक हो गया, स्टैंड रखा और सब कुछ और सही सही कर। ये जो मैंने मिनी मिनी कपकेक केक बोल सकते हैं वो बनाई है, मैंने बनाए हैं ओवन में, और ये मैंने बैटर बचा लिया था ताकि मैं आपको ओवन में बना के दिखा सकूं। ये मैंने मिनी केक बना लिया ओवन में, और ये हमने जो स्टोव पे बनाया था केक, ये बहुत अभी गर्म है, हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसको डेकोरेशन करेंगे। तो फिर इसने केक को शाम को सजाया, फिर केक को, और इसने ट्रे पे जो है
केक की, वो केक को निकाल लिया था, काट लिया था, और इसने अपनी मर्ज़ी से जो भी इसको समझ आया और इसने सजाया फिर, और अनानास के चंक्स डाले थे, इसका वाटर डाला था, और सब इस तरह से इसने बड़े शौक़ से केक बनाया था, और हम सबको अच्छा भी लगा, और इस केक का टेक्सचर भी बड़ा फर्म हुआ था, और बहुत अच्छा केक का जो है वो लुक भी अच्छी आई थी। और थोड़ा सा केक मैंने आधा निकाल भी लिया था, इसलिए कि मैंने कहा कि आपकी, हाँ जी, हमारी ये मटका बिरयानी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। और देखें इस तरह से हमारा केक भी बिल्कुल रेडी है। ये हाफ केक मैंने इसलिए निकलवा लिया था कि क्योंकि शाम को वो प्लेन केक खाना होता है, अम्मा क्रीम वाला केक नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने हाफ इसमें से निकलवा लिया था शाम को चाय के लिए, और मैंने हाफ को बनाया था शहजादी ने। और ये मिनी कप केक भी रेडी है, हमारा रायता भी रेडी है, अब हम डिनर करेंगे इंशाल्लाह। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और अगर मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। कल मिलते हैं फिर एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।